से यहाँ सिंहासन पे बैठे कंस को चोटी पकड़ के जमीन पे पटक के भगवान कृष्ण और बलराम ने उसका वध किया। कंस को मारा था। ये वही दुर्लभ रज है ब्रज की, यही दुर्लभ मिट्टी है कंस अखाड़े की। देखिए रंग है, रंग है। दोनों भाइयों का रंग है। कृष्ण तुम छलिया हो, तुमने छल से मारा, और बलराम तुम बलिया हो, तुमने बल से मारा। ये लड़ा जा रहा है युद्ध कंस के अखाड़े में। ये नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी देख रहे हैं सूरज ब्रिजवासी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ सूरज। साथियों, अभी हम खड़े हुए हैं मथुरा के बीचों बीच। होली गेट चौराहा हमसे इधर की तरफ है। और साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा स्थान, ऐसा प्राचीन स्थान जो कि श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं से जुड़ा हुआ, आज के समय में एकदम सबूत मान सकते हैं द्वापर का। आज हम आपको ऐसे स्थान पर लाए हैं जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने इस सृष्टि को अधर्म के रास्ते से धर्म पर लाया था और कंस का उद्धार किया था, कंस का वध किया था। आज हम आपको लाए हैं कंस के अखाड़े पर, जहाँ मामा कंस को श्री कृष्ण भगवान ने मारा था, वही 5000 वर्ष पुराना द्वापर का अखाड़ा। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आपको अखाड़ा दिखाते हैं। यहाँ से सीधी रास्ता है मथुरा के बीचों बीच, ये बसा हुआ है, जिला अस्पताल के पास में ही है। आइए, तो साथियों जैसा कि हम जो कंस मामा का वध स्थल है और कंस जी का जो अखाड़ा है उसके अंदर जैसे हम सीढ़ियों से आए हैं, और सबसे पहले हमारे यहाँ पे हनुमान जी महाराज के दर्शन हैं। पहले आप दर्शन करिए हनुमान जी महाराज के, और फिर ये जो यहाँ की कहानी है, पूरी कथा है, यहाँ का जो क्या इतिहास है, हम आपको पूरा यहाँ के बताएंगे। तो साथियों जैसा कि यहाँ पे हमारे साथ में यहाँ के जो सेवायत हैं और जो पुजारी जी यहाँ के जो मौजूद हैं अखाड़े में, तो महाराज जी क्या यहाँ की जो मान्यता है, क्या यहाँ का कहानी है, जो कथा इतिहास है रहा है कंस अखाड़े का, हमें बताइए दर्शकों को पूरी यहाँ की क्या कथा है। भैया ये कंस का अखाड़ा है, बहुत प्राचीन स्थल है। अच्छा। भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए जिस यज्ञ का आयोजन किया था वो उसने अपने अखाड़े पर ही किया था, ये वही स्थल है। अच्छा। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने हो उल्टा गया, वो उनको मारना चाहता था लेकिन भगवान ने उल्टा उसको ही मार डाला। अच्छा। तो ये कंस का वध स्थल इसीलिए कहा जाता है कि भगवान ने इस जगह पर कंस का वध किया था। तो मतलब यहाँ पर ही बुलाया था उनको। हाँ जी, लेकिन हो उनके साथ उल्टा गया। हाँ, अक्रूर जी गोकुल से वहाँ से लेकर के इसी स्थान पर आए थे। अच्छा। अब यहाँ ये जो है आपने हनुमान जी के दर्शन किए हैं, ये उसी जमाने से विराजित हनुमान जी हैं। इनका नाम चिंता हरण हनुमान जी है। अच्छा। जिनकी की मानसिक पूजा नंद बाबा ने भी की थी। अच्छा। महाराज जी हनुमान जी का जो नाम है, मतलब चिंता हरण, इसके पीछे ये चिंता हरते हैं सबकी, नंद बाबा की चिंता भी इन्होंने हरी। अच्छा, जैसे हाँ, ये हनुमान जी की विशेषता है कि इनके मुखारविंद में हमेशा 500 ग्राम लड्डू रखना पड़ता है, वरना ये नाराज हो जाते हैं। अच्छा। हाँ देखो उनका मुखारविंद, देखो उनका मुखारविंद, देखो हमेशा भरा रहता है। हर मंगलवार और शनिवार को इनका सिंदूर सेवा और चोला सेवा होता है, और इनको बाकायदा इनका मुखारविंद खाली करके, दातुन करा करके, और फिर इनको स्नान करा करके फिर इन पे श्रृंगार धराया जाता है। हर मंगल और शनिवार के दिन ये सेवा अनवरत चालू है। तो चलिए साथियों, अभी हम आपको वही प्राचीन जो है अखाड़ा दिखाने के लिए जा रहे हैं, उसी समय का द्वापर का। ये देखिए, ये बीच में कंस है, ये कृष्ण है, ये बलराम है। तो कृष्ण और बलराम ने यहाँ पे जो है वध किया था। भागवत में जैसे वर्णन है कि कंस को ने देवकी अपनी बहन को चोटी पकड़ के, बाल पकड़ के कारागार में डाला, उसी तरीके से यहाँ सिंहासन पे बैठे कंस को चोटी पकड़ के जमीन पे पटक के भगवान कृष्ण और बलराम ने उसका वध किया। अच्छा। उस वध करने के पश्चात इन दोनों में झगड़ा होने लगा। हाँ। उस झगड़े के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि रंगेश्वर महादेव जो हैं विराजमान, ये प्रकट हुए जमीन से, जमीन फाड़कर। और इन्होंने कहा रंग है, रंग है, रंग है। हाँ। दोनों भाइयों का रंग है। कृष्ण तुम छलिया हो, तुमने छल से मारा, और बलराम तुम बलिया हो, तुमने बल से मारा। तब से वो रंगेश्वर महादेव माँ प्रकट हैं। ये सामने अखाड़ा है जो वर्तमान में चालू है, आज भी लड़के बच्चे यहाँ आते हैं और कसरत व्यायाम कुश्ती का
अपना प्रैक्टिस उसी समय का अखाड़ा है, उसी समय का स्थान है, ये सारी भूमि उसी समय की, जैसे समय के साथ चीजें बदल जाती है, लेकिन स्थान वही है, स्थान वही है, बस बस। ये मंदिर भी बाद में बना, ये सब कुछ बाद में बना, लेकिन ये वृक्ष देख रहे हैं आप, वो पीलू का वृक्ष, वो कम से कम 1000 बार जो आप देख रहे हैं, ये वृक्ष 1000 वर्ष से ऊपर आयु का होगा कम से कम। जो पीलू के वृक्ष हैं ये तो मैं मानता हूँ कि ब्रज में लोग होते जा रहे हैं, क्योंकि अब ये 150-200 वर्षों से तो इनको वन विभाग लगाता ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत समय लेते हैं और लकड़ी भी उपयोगी नहीं होती है इनकी, लेकिन ये है कृष्ण का प्रिय पेड़ों में से कदम और पीलू प्रिय पेड़ है। हाँ ये साथियों हम आपको दिखाते हैं, सब अखाड़ा है, अब आप घूम के देख लो। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे होंगे, मतलब वृक्ष जो है एकदम मिट्टी हो गया है, मतलब इतना प्राचीन वृक्ष है उसी समय का, आप देख पा रहे होंगे। बस सावधानी से ये देखिए, यह है श्री कृष्ण भगवान का प्रिय वृक्ष माना जाता है, और कहा यह भी जाता है कि जो वृक्ष ये वाले होते हैं ये एक तरह से गोपी के ही रूप हैं, जो कि श्री कृष्ण भगवान का इंतजार कर रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान का इंतजार कर रहे हैं इस कलयुग में, कि कब जो है भगवान आएंगे और कब हम उनके साथ रास करेंगे। और महाराज जी यहाँ पे क्या है, उस और क्या है यहाँ पे देखने के लिए? महादेव का मंदिर है, नीचे आइए आप। अच्छा यहीं पे है मंदिर, घूमना पड़ेगा आपको। अच्छा घूमना पड़ेगा, जो उनकी जो बलराम और कृष्ण भगवान की फैसला किया था। अच्छा आपने मारा बल से, आपने मारा छल से। अच्छा तो मतलब ऐसा बोलते हैं कि यहाँ से मार के जब गए थे तो उन्होंने विश्राम किया था। हाँ। तो वो भी यहीं से गए थे, यहाँ से लेके वो नीचे उतर गए। वो जगह कहाँ पर है? वो नीचे रंगेश्वर मंदिर से उतर गया, बनता पड़े होते हुए जाते हैं। अच्छा विश्राम घाट, विश्राम घाट। अच्छा अच्छा विश्राम घाट से इसी रास्ते से गए थे, यहीं से होके गए थे। तो जैसा कि साथियों आप देख पा रहे होंगे, ये टीला अभी तो वर्तमान में कुछ ऐसा है, लेकिन आज से लगभग 5000 वर्ष पहले द्वापर में दूध और दही की यहाँ से नदियाँ बहा करती थी मथुरा में। अभी तो यहाँ पे बिल्डिंगों के बीचों बीच देख पा रहे होंगे, उसी समय का कंस के महल का ही कोई हिस्सा हुआ करता होगा। इतना ऊंचा था कि पूरा मथुरा दिखता था। अच्छा आज टीला बह गया, पर सबूत उसी समय का है। अभी भी इसकी ऊंचाई आप देख पा रहे होंगे पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। देखिए देखिए यहाँ से आप पूरे वर्तमान में जो बिल्डिंग वगैरह देख रहे हो, शहर देख रहे हो, कितना यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा। अभी भी हम काफी ऊंचे पे खड़े हुए हैं, देखो देख पा रहे होंगे सबूत यहाँ से कितना नीचे है। नाले वो टीले, उसी समय का टीला है। नाले वो टीले जैसे बता रहे हैं हमें, वही नाले वही टीले। बस यही है, बदल गया है तो बस थोड़ा सा समय, द्वापर से कलयुग आ गया है। नाले ऊपर टीले, नीचे नाले, बीच में राजे भोलेनाथ संगेश्वर महादेव, जय हो भाई। फैसला किया था। थोड़ा आपको अखाड़ा भी दिखा देते हैं यहाँ से, जो मुख्य यहाँ पे चीज है कंस का जो अखाड़ा, जैसे हमें प्रभु जी बता रहे हैं कि यहाँ पे आज भी जो है बच्चे आते हैं, मतलब हमारे भैया लोग आते हैं यहाँ पे अखाड़े में जो है पहलवानी करते हैं। और दही आप देख पा रहे होंगे, ये ब्रज की उसी समय की मिट्टी है, उसी समय की रज है, जिससे मतलब सभी जो है दुख नष्ट हो जाते हैं, और उसी समय का अखाड़ा है, मतलब स्थान उसी समय का है। मैं भी मतलब देख कर अपने आप में, मतलब जो है ब्रज के ऐसे दुर्लभ स्थान है, ऐसे यहाँ पर मतलब कोई पहुँच नहीं पाता, जिस पर ठाकुर जी की हमारी कृपा होती है वही पहुंच पाते हैं, ऐसे दुर्लभ स्थान है ब्रज के। और यही आप देख रहे पा रहे हो अखाड़ा। उधर भी महाराज जी नीचे क्या है? इधर चलते हैं, रंगेश्वर महादेव का मंदिर है। अच्छा यही है यहाँ पे, तो वो भी हम आपको दर्शन कराएंगे। आइए थोड़ा अखाड़ा यहाँ से आप देख लीजिए, पूरा कुमकम दिखा रहे हैं। यह है साथियों वही अखाड़ा है और वही टीला है कंस का। देखिए यहीं पर हमारे बलदाव जी महाराज और श्री कृष्ण भगवान ने कंस को मारा था। यह वही दुर्लभ रज है ब्रज की, यही दुर्लभ मिट्टी है कंस अखाड़े की। देखिए यह वही अखाड़ा है आज से 5000 वर्ष पुराना, जो कि ऐसे स्थान है जो कि आप हमारे सिर्फ चैनल के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं, बल्कि कोई नहीं दिखाएगा आपको ऐसे स्थानों के। चलिए आपको महादेव जी के दर्शन कराते हैं, जैसे कि हमें प्रभु जी बता रहे हैं। आइए ये देखिए, ये लड़ रहे हैं कंस के अखाड़े में आज के समय में। ये है द्वापर का कंस का अखाड़ा, जिसमें ये वानर जो है मस्ती कर रहे हैं। ये देखिए ये लड़ा जा रहा है युद्ध कंस के अखाड़े में, ये पटक लिया। गोविंद राम जी नायक नाम है इनका, बहुत ही विद्वान आदित्य व्यक्तित्व के धनी थे। अच्छा। साक्षात हनुमान जी थे ये। अच्छा। रामलीला मथुरा जगत में इन्हीं के द्वारा स्थापित की गई, और इस जगह का जीर्णोद्धार भी इन्हीं ने कराया।
अभी हम आ चुके हैं रंगेश्वर महादेव जी के मंदिर में, आइए आपको दर्शन कराते हैं प्राचीन रंगेश्वर महादेव। अभी हम आपको रंगेश्वर महादेव के दर्शन कराते हैं जिनको जिनको श्री कृष्ण भगवान और बलदाव जी का जो है पूरा झगड़ा शांत किया था रंगेश्वर महादेव जी ने। ये आपको दर्शन कराते हैं ऐसे महादेव। तो साथियों आज की वीडियो में हमने आपको दिखाया कंस का अखाड़ा और यहाँ पे हम महादेव जी के मंदिर में ये रंगेश्वर महादेव भी दिखा दिए। और साथियों उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी ने ऐसा कंस अखाड़ा आज तक नहीं देखा होगा, पहली ही वीडियो होगी यूट्यूब के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे और हमें भी अच्छा लगा आपको दिखाने में। और आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जैसे आनंद आप ले रहे हैं ना ऐसे ही आनंद आपके फ्रेंड्स और फैमिली वाले ले सकते हैं। वीडियो को शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब करें सूरज ब्रिजवासी यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं किसी, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे श्याम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।